हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड की किसी की मेरा अभिनीत भारद्वाज। और दोस्तों, इस एपिसोड में हम कवर करने वाले हैं कि क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोकी सीजन 2 के एपिसोड 3 से। इसमें कुछ थ्योरीज के बारे में डिस्कशन होगा, उसी के साथ साथ जो भी अभी तक जितने भी हमने सीन्स देखे ट्रेलर से उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्या क्या होने वाला है, क्या क्या हो सकता है। तो उसमें हो सकते हैं कुछ स्पॉयलर्स, तो अगर आप चाहते हैं तो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, टोटली अप टू यू, क्योंकि उसमें स्पॉयलर्स हो सकते हैं। इसी के साथ आपके पास भी खुद की कोई थ्योरीज होंगी तो वो मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना। एंड गाइस, प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आप चैनल पे अभी आए हैं तो प्लीज, क्योंकि वी आर वेरी क्लोज टू 100 के सब्सक्राइबर्स नाउ। एंड चलिए, फिर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन द शो। तो गाइस, जो सबसे पहली चीज है, अब देखिए यहाँ पे ना सिर्फ एपिसोड 3 नहीं, आने वाले जितने भी एपिसोड है ना, एपिसोड 3, 4, 5, 6, इनके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। इसी के साथ एक और बात पता चली थी कि जो कैंग द कॉनकर फिर जो विक्टर टाइम ही होगा, वो आखिरी के चार, एक्चुअली टोटल 4 एपिसोड में कहा था कि देखेगा 3 से 4 एपिसोड में। तो देखा जाए तो 4 एपिसोड ही बाकी है, क्योंकि 2 एपिसोड हमने ऑलरेडी देख लिए। तो आने वाले एपिसोड में हम डेफिनेटली विक्टर टाइम लिए कैंग के बारे में देखने वाले। खैर, तो सबसे पहली चीज़ है वो ये कि हम हंटर B-15 की पास्ट स्टोरी जानने वाले हैं आने वाले एपिसोड में, कि उसकी पास्ट लाइफ क्या थी। अगर हम हंटर B-15 की जा रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है कि मोबियस के तो जाननी ही जाननी है। मोबियस का रियल नेम क्या है वो भी हमको जानना है, क्योंकि मोबियस का रियल नेम शायद कुछ और है, और ऑब्वियसली बात है हंटर B-15 का नाम भी हंटर B-15 तो नहीं होगा, कुछ और होगा। मोबियस की पास्ट स्टोरी जानेंगे, उसका जेट स्की के साथ क्या कनेक्शन है ये जानेंगे। एंड इसी के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रवोना रेंसलेयर के बारे में। रवोना रेंसलेयर को अभी तक हमने ट्रेलर में देखा था कुछ कुछ बिट्स एंड पीसेस में, एंड पक्का ये लव इंटरेस्ट है ही हु रिमेन्स की या फिर विक्टर टाइम की, क्योंकि अगर कॉमिक बुक्स के हिसाब से देखा जाए तो रवोना रेंसलेयर और ही हु रिमेन्स हमेशा एक दूसरे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रहे, लव इंटरेस्ट रहे हैं। और कैंग द कॉनकर की जो इकलौती वीकनेस है वो रवोना रेंसलेयर ही है। और अगर रवोना की बात चली रही है तो ये भी जानना है कि रवोना फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सी टाइमलाइन की है, मोस्ट ऑफली 19th century 20th century की है, जिसके बारे में हम आगे देखेंगे। और रवोना का जो मैसेज था ही रिमेन्स के साथ, उसके बारे में जानेंगे कि एक्चुअली हुआ क्या है। विक्टर टाइमली या फिर ही रिमेन्स एक ही कैरेक्टर है। विक्टर टाइमली आगे जाके ही रिमेन्स बना, नेथेनियल रिचर्ड्स आगे जाके कैंग बना, तो डेफिनेटली अपने एक दूसरे के वेरियंट्स किया, बस नाम आगे जाके इनके चेंज हो गए। खैर, तो रवोना रेंसलेयर के बारे में ये देखेंगे कि कैसे वो विक्टर टाइमली से मिली है, फिर वो हमेशा से शायद उसकी वाइफ थी, उसकी गर्लफ्रेंड थी, एंड उसे डिसाइड किया कि हाँ एक्चुअली वो टीवीए को रन करेगी। क्योंकि देखिए बात है, ऑब्वियसली बात है कि वो कैसल में बैठा था ना, ही रिमेन्स मतलब बियॉन्ड द टाइम में कैसल में बैठा था, जैसे हमने एपिसोड लास्ट में देखा था season 1 के। तो टीवीए को भी कोई चलाने वाला होना चाहिए ना, तो टीवीए को चलाने के लिए डिसाइड किया था कि रवोना रेंसलेयर बैठेगी। और रवोना रेंसलेयर के बीच के जो मैसेज की जो कॉल है, जो कि हमने एपिसोड 1 में देखी थी, वो भी हम जानेंगे कब हुई थी ही रिमेन्स और रवोना के बीच में, और उसका मतलब क्या है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइज, वो ये है कि हमने पिछले एपिसोड में ये देखा कि टीवीए खत्म हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो टीवीए को रोकने का एक लौटा तरीका था, जो बचाने का तरीका था, वो था ही रिमेन्स को बुलाना ताकि वो डोर्स खोल पाए, लेकिन ही रिमेन्स मर चुका है। दूसरी तरीका क्या था, मिस मिनट्स को मनाना, मिस मिनट्स को मनाया जाएगा, मिस मिनट्स को ढूंढा जाएगा, एंड शायद ढूंढते ढूंढते ही मिस मिनट्स को लोकी और मोबियस पहुंचेंगे 19th century 20th century में, क्योंकि मिस मिनट्स का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको मनाना ताकि जितने भी डोर्स बंद हैं उनको खोला जा सके, और जो टाइमलाइन बिगड़ गई उसकी वजह से टीवी डिस्ट्रॉय हो सकता है उसको रोका जाए। और शायद ये जो मिस मिनट्स हमको मिलेगी 19th century में, 20th century में, यही वो है जो कि अपना आपा खो देगी और लोगों पे हमला करेगी, बट समहाउ इसको कंट्रोल कर लिया जाएगा। एंड यही वाली मिस मिनट जो कि पास्ट वाली मिस मिनट्स है, यही मदद करेगी करंट टीवी को बचाने में, उसको सेव करने में, उसके डोर्स ओपन करके। और मिस मिनट्स का हमको पास भी पता चलेगा कि आखिरकार मिस मिनट्स बनी कैसी थी। मेरी एक थ्योरी ये कहती है कि शायद ना मिस मिनट्स एक्चुअल में कोई ह्यूमन बीइंग थी जिसको कंट्रोल करता विक्टर टाइमली ने, या फिर एक्चुअली मिस मिनट्स एक एक्चुअली अलार्म क्लॉक थी जिसमें समहाउ एनर्जी या फिर AI के थ्रू पावर्स डाल दी गई थी, या फिर कुछ लाइफ आ गई थी किसी तरीके से, AI बेस्ड किसी भी तरीके की पावर आ गई थी जिसकी वजह से वो जिंदा हो गई मिस मिनट्स। और जब मिस मिनट्स जिंदा आई तो उसको ज़्यादा कंट्रोल करना मुश्किल था। बट खैर, इसी के साथ विक्टर टाइमली का भी पास्ट जानेंगे कि विक्टर टाइमली ने कैसे वो मशीन का आविष्कार किया था जिसके थ्रू टाइम में कंट्रोल कर सकता है, और जब उसको टाइम मैनिपुलेट करना आया उसने ही मे बी मल्टीवर्सल वॉर जीती और वही आगे जाके ही रिमेन्स बना, जो कि टाइमलाइन को प्रोटेक्ट करके रखा था या फिर सेकेंड टाइमलाइन का राजा था। और विक्टर टाइमली के थ्रू हमको मे बी कैंग द कॉनकरर या फिर नेथेनियल रिचर्ड्स के बारे में पता चलेगा कि क्या हुआ था आखिरकार ऐसा मल्टीवर्सल वॉर में, कैसे विक्टर टाइमली ने बना ही रिमेन्स, कैसे उसने मल्टीवर्सल वॉर जीती थी, एंड क्या खतरा आने वाला है विक्टर टाइमली फिर ही रिमेन्स के मरने के बाद। जो असली खतरा है इसके बारे में हमको पता चलेगा बाय द एंड ऑफ द शो कि कैंग के कौन कौन से वेरिएंट्स आ रहे हैं। तो सिंपल वर्ड्स में, वो सीक्रेट वॉर्स का एक बहुत बड़ा कनेक्शन हमको दिखने वाले आगे वाले एपिसोड्स में, जहाँ पे लोकी सीजन 2 खत्म होगा, मे बी लोकी सीजन 3 भी आ जाए एक बार, हो सकता है नेक्स्ट ईयर लोकी सीजन 3 भी आ जाए, हो सकता है। अगर नहीं आता
तो लोकी सीजन 2 जहाँ पे खत्म होता है वहीं पे डायरेक्ट हम बिल्डअप देखेंगे सीक्रेट वॉर से कैंग डायनेस्टी का। इससे आगे कंटिन्यूशन में हमको फिल्म देखने को मिलेगी जो कि फ्यूचर में आएगी। एक जो असली क्वेश्चन है वो ये है कि जब सिल्वी ने ही हू रिमेंस को मार दिया था तो फिर क्या हुआ। देखिए लोकी को तो उसने पास्ट वाले टीवी में भेजा था, लेकिन सिल्वी ने क्या किया वहाँ पे बैठ के, उस कैसल में थी ना, ही हू रिमेंस मर गया था, उस कैसल को छोड़ के आ गई या फिर उस कैसल में अभी कौन है क्या चल रहा है ये किसी को भी मालूम नहीं है। बियॉन्ड द टाइम, फिर एंड ऑफ द टाइम में जो कैसल है जहाँ पे ही हू रिमेंस रह रहा था न जाने कितने सालों से, अब वहाँ पे कौन है, कौन से कंट्रोल कर रहे हैं। और एक थ्योरी ये भी सज करती है कि जो मेन शो की जो विलन है ना वो सिल्वी का एक ओल्डर वर्जन है जो कि यंग सिल्वी को मारना चाहती है। देखिए ही हू रिमेंस या फिर विक्टर टाइम या फिर कैंग जो है वो अल्टीमेट विलन तो मूवी में ही आएगा, उसके बारे में हमको थोड़ी बहुत कहानी हमको सुनने के लिए मिलेगी, हिस्ट्री मिलेगी, लेकिन जो अल्टीमेट विलन है वो हो सकता है शो की कोई और ही हो, या फिर कोई एक ऐसा विलन जो कि हमारी आंखों के सामने हमको पता नहीं है, शायद ओबी ऑरोबोरस। इसके ऊपर मैं बहुत जल्दी एक वीडियो बनाने वाला हूँ तो उसको चेकआउट करना। एक थ्योरी ये भी है कि शायद ओबी हो सकता है विलन हो शो का, सिर्फ एक थ्योरी है, सिर्फ एक थ्योरी। अब हो सकता है वो जो ओल्डर वर्जन ऑफ सिल्वी है वो ही वहाँ पे बैठी है कैसल में, वो ही कंट्रोल कर रही है सब कुछ, और उसी के बारे में हमको आगे आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। अभी सिर्फ 2 एपिसोड्स हुए हैं, अभी आधे से भी ज़्यादा शो बाकी है, जो कि लास्ट के 4 एपिसोड्स हैं ना वो काफ़ी खतरनाक होंगे। उसमें हमको विक्टर टाइमली मिसमैच, टीवी का पास्ट क्या है, टीवी कैसे बना, इसके बारे में पता चलेगा, एंड कैसे उसने वाइप आउट करी लोगों की मेमोरीज, कैसे मोबियस और हंटर B-15 जितने भी थे उन्हें किडनैप करे, कैसे उसने टीवी का मेंबर बनाया कैंग द कॉनकरर पे ह्यू रिमेंस ने, ये सब हमको जानने के लिए मिलेगा। अब बात करने का इस एक सबसे कमाल चीज़ के बारे में, तो जैसे लोकी सीजन 2 के एपिसोड 1 में हम देखते हैं कि लोकी टाइम स्लिप कर रहा था, अलग अलग टाइम लाइन में पहुंच रहा था, हमने आगे ये देखा कि एपिसोड में उसका टाइम स्लिपिंग था वो बिल्कुल ठीक हो चुका, बट ये टाइम स्लिप वापस आने वाला है, हो सकता है एपिसोड 3 में फिर एपिसोड 4 में, क्योंकि ट्रेलर में कुछ ऐसे सीन्स निकल के आते हैं जहाँ पे हम देख रहे हैं लोकी अनकंट्रोलेबली फिर से इधर से उधर कहीं कहीं जगह पे फिर से टाइम स्लिप करके अलग अलग टाइम लाइन्स में अलग अलग पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर में पहुंच रहा है। और मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बोला था कि शायद लोकी टाइम स्लिप करना कंट्रोल कर लेगा और टाइम स्लिप एक्चुअली लोकी के लिए पावर बन जाएगी। जैसे उसने अगर टाइम स्लिप को कंट्रोल कर लिया लोकी ने, लोकी पास नई पावर अनलॉक हो गई, किसी भी टाइम लाइन में कभी भी किसी भी डायरेक्शन में पास्ट में फ्यूचर में कहीं भी लोकी पहुंच सकता है, और मे बी लोकी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा कैंग डायनेस्टी और सीक्रेट वॉर्स में, उस परफेक्ट ही हू रिमेंस या फिर उस कैंग के अच्छे वेरिएंट को ढूंढने में जो कि एवेंजर्स की मदद करेगा कैंग द कॉनकरर को हराने में। एंड गाइस, आने वाले एपिसोड में सबसे बड़ी चीज पता चलने वाली है, सबसे बड़ी चीज वो ये है कि हम टीवी का डिस्ट्रक्शन देखने वाले हैं। जैसे कि हमने देखा था कि टीवी लोकी सीजन 2 के एपिसोड 1 में जब लोकी फ्यूचर में पहुंच जाते जहाँ पे टीवी पूरा डिस्ट्रॉय हो रहा है, लास्ट में सिल्वी आती ही आती है उस टीवी में, इसको छोड़ के चली गई थी, तो मतलब अभी लोकी का आना बाकी है। एंड लोकी ने सिल्वी को बताया भी था कि मैंने तुमको देखा था कि तुम एक्चुअली वहाँ पे आ रही हो, तो कोई ना कोई एक रीज़न है कि फिर से एक बार डिसाइड करेगी सिल्वी यहाँ पे आना, मे बी टीवी को बचाने के लिए या फिर कुछ ना कुछ, ये भी हमको आने वाले एपिसोड में मिलने वाला है। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो, ये था आज का एपिसोड, आई होप यू एंजॉयड। आपके जो भी कुछ थॉट्स है इस वीडियो से रिलेटेड वो जाके मुझे प्लीज कॉमेंट करके जरूर बताइए, एंड ये बताइए कि आपके क्या थ्योरीज हैं, आपके क्या थॉट्स हैं, और आप आने वाले एपिसोड में क्या क्या देखना चाहते हैं, फिर क्या क्या देख सकते हैं। डेफिनेटली आपके पास खुद ही कोई थ्योरी होगी, आपने कुछ ना कुछ पढ़ा होगा, जो भी है मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना। अगर आप सब मेरे साथ इंस्टाग्राम या ट्विटर पर जुड़ना चाहते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी, नहीं तो मेरे यूजर नेम आप लोग अपने स्क्रीन पे देख ही सकते होंगे। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखें, एंड ऑलवेज रिमेंबर यू ऑल आर सुपर हीरोज, लाइफ में हमेशा अच्छा करिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।